क्विज ऑफ प्रेजेंट टेंस सिक्स क्विज प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है. सबसे पहले ऑप्शन है सब्जेक्ट हैज बीन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम. नेक्स्ट सब्जेक्ट हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम. थर्ड सब्जेक्ट हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. एंड लास्ट ऑप्शन सब्जेक्ट हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, ठीक है ना. तो आंसर इज टू. सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हैज बीन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर आएगा, सिंस और फॉर कंडीशन के अकॉर्डिंग, फिर जो टाइमिंग दी गई है वो आएगी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वी यूज सिंस. हम सिंस कहां यूज करते हैं. ऑप्शन इज फॉर परमानेंट टाइमिंग, फॉर टेम्पररी टाइमिंग, ओनली फॉर मॉर्निंग टाइम, ओनली फॉर इवनिंग टाइम. तो सिंस कहां लगाते हैं. सिंस हम यूज करते हैं परमानेंट टाइमिंग के लिए. कहां यूज. ऑप्शन आंसर इज वन, फॉर परमानेंट टाइमिंग. परमानेंट टाइमिंग जो पर्टिकुलर टाइम दिया गया हो, 1 बजे से, 5 बजे से, मंडे से, पर्टिकुलर डे दिया गया हो, ठीक है ना, वो परमानेंट टाइमिंग होगी. क्वेश्चन, वेयर वी यूज फॉर. हम फॉर का यूज कहां करते हैं. ऑप्शन वही है, फॉर परमानेंट टाइमिंग, फॉर टेम्पोररी टाइमिंग, ओनली फॉर मॉर्निंग टाइम, ओनली फॉर इवनिंग टाइम. फॉर का हम यूज कहां करते हैं. फॉर का यूज हम टेम्पोररी टाइमिंग के लिए करते हैं. तो आंसर इज टू, फॉर टेम्पोररी टाइमिंग. टेम्पोररी टाइमिंग कौन सी होती है. कुछ सेकंड्स, 5 सेकंड, 6 सेकंड, कुछ मिनट्स, कुछ घंटे, ठीक है, वहां पे हम फॉर लगाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी यूज सिंस एंड फॉर इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. हम सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करते क्यों है. सिंस और फॉर रिप्रेजेंट टाइम इन दिस टेंस. ये क्या करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम को रिप्रेजेंट करता है. सिंस एंड फॉर रिप्रेजेंट टेंस, टेंस को रिप्रेजेंट करता है. सिंस एंड फॉर रिप्रेजेंट हैज बीन और हैव बीन, क्या वो हैज बीन और हैव बीन को रिप्रेजेंट करता है. सिंस एंड फॉर रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है. किस चीज को रिप्रेजेंट करता है. सिंस और फॉर टाइम को रिप्रेजेंट करता है. और आंसर इज वन, टाइमिंग, टाइमिंग को ये रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई डैश टीवी सिंस 8 o'clock. सिंस 8 o'clock have been watches, has been watching. तो क्या है, आई के साथ हैव लगता है. आई हैव बीन क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock, ठीक है, मैं 8 बजे से टीवी देख रही हूं, ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज 4, हैव बीन वॉचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू डैश फॉर मी फॉर वन और, ठीक है. Have you not been waiting? Has you not been wait? क्या आएगा. तो you के साथ have you not been waiting for me for one hour, ठीक है ना. क्या तुम मेरा 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे हो, ठीक है. तो क्या आएगा, फर्स्ट हैव यू नॉट बीन वेटिंग, ठीक है. नेक्स्ट वन,
दे हैव बीन गोइंग होम डैश फाइव मिनट्स. अब यहाँ पे सिंस आएगा या फोर आएगा, फाइव मिनट्स हैं. सिंस सिंस टू, फॉर फॉर टू, क्या आएगा फाइव मिनट्स. मिनट्स टेम्पररी टाइमिंग, पक्का टाइमिंग नहीं है, तो आएगा फोर. दे हैव बीन गोइंग होम फॉर फाइव मिनट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूल ऑफ नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सब्जेक्ट हैज हैव बीन, आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम. सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम. सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम. फोर्थ, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. क्या आएगा? नेगेटिव, यानी कि हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट आता है. ठीक है ना. तो क्या आएगा आंसर इज थर्ड. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव नॉट बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूल ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम. नेक्स्ट ऑप्शन हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम. नेक्स्ट सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. नेक्स्ट हैज हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम. रूल ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव है नॉट है, इंटेरोगेटिव है यानी सब्जेक्ट और हैज हैव ने अपनी जगह रिप्लेस कर ली और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगेगा. तो आंसर इज फॉर. हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैं दो घंटे से तुम्हें देख रही हूं. फाइंड करेक्ट सेंटेंस. I have been watching you for 2 hours. I have been watching you for 2 hours. I have been watching you since 2 hours. I has been watching you for 2 hours. क्या आएगा? I के साथ have. I have been verb की first form plus ing watching you 2 hours है, 2 घंटे. Permanent timing नहीं है, temporary timing है. तो क्या आएगा? फोर टू आवर्स. तो आंसर इज वन. आई हैव बीन वॉचिंग यू फॉर 2 आवर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.